स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टूल को शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने गूगल फॉर्म्स के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये ट्यूटोरियल मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे वीडियोस को देखने के बाद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि गूगल फॉर्म में इक्वेशन इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक दी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें मेंशन करिए और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें गूगल फॉर्म में इक्वेशन इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो मैं खास उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वेशियो। जो इक्वेशन वर्ड होता है उसमें से हमें टाइप करना है इक्वेशियो। ठीक है, इक्वेशियो फॉर गूगल फॉर्म्स ये आपको टाइप करना है। जब आप इतना टाइप करेंगे तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्लगइन है इसका जो पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ आप एड टू क्रोम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप मैसेज आएगा, आपको इसके ऊपर एड एक्सटेंशन करना है। आप देखेंगे कि ये जो प्लगइन है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है एडिंग टू क्रोम। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और जैसे ही ये क्रोम पे एडिट हो जाएगा आपको एक मैसेज शो होगा। देखिए, कुड नॉट मूव एक्सटेंशन डायरेक्टली इनटू प्रोफाइल। ओके, रीलोड, देखते हैं ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है, वापस से हम एड एक्सटेंशन करते हैं। कई बार ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उस प्रॉब्लम के साथ ही ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर वो प्रॉब्लम है तो आपको पता पड़े कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैसेज आया है एडिंग टू क्रोम। यहाँ पर फिर से मैसेज आया कुड नॉट मूव एक्सटेंशन डायरेक्टली इनटू प्रोफाइल, रीलोड। वापस से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने जितने सारे टैब्स थे उन्हें बंद कर दिया है, वापस से एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ से जो है क्रोम से साइन आउट कर दिया है, अब मैं वापस एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए, ये इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये आपके क्रोम पे इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ गूगल फॉर्म। ठीक है, ये लिंक आ गई है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब क्योंकि मैंने क्रोम से साइन आउट कर दिया था तो मुझे वापस एक बार साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो एक ब्लैंक फॉर्म है ये ओपन हो गया है। चूजन अकाउंट का एक मैसेज मेरे पास आया था इक्वेशियो की तरफ से जिसको मैंने ओके कर दिया है। जैसे ही मैंने ये फॉर्म ओपन करा वो मैसेज आया था तो मैंने उसे ओके कर दिया है, ये फॉर्म भी ओपन हो गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये फॉर्म ओपन हो गया है। मैं इसे एक बार रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैंने रीलोड कर दिया है। रीलोड मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया है या फिर मैंने यहाँ से इसे रिफ्रेश कर दिया है, ये रीलोड करना होता है। तो अब जैसे ये रीलोड होगा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इक्वेशियो के जो सिम्बॉल्स हैं वो आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन के पास में अगर इक्वेशियो का सिंबल है तो ये क्वेश्चन में इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए, और ये ऑप्शन के पास जो इक्वेशियो का सिंबल है ये ऑप्शंस में इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन टू करा तो देखिए यहाँ पे इक्वेशियो का सिंबल आता जाएगा। जैसे ऑप्शन करूंगा इक्वेशियो का सिंबल आता जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन इंसर्ट करके बताऊंगा, साथ में उसके ऑप्शन इंसर्ट करके बताऊंगा। सी द बिलो गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक सेंटेंस लिख दिया है, इस पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा तो ये टूल बार नीचे आ गई है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट मैथ के ऊपर क्लिक करा तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, इक्वेशन एडिटर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इक्वेशन एडिटर पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं ये क्लियर करने के लिए है। ये आपके कुछ फेवरेट इक्वेशंस को स्टोर करने के लिए आइकन दिया हुआ है, ये उसका कलर चेंज करने के लिए है, ये टाइप करने के लिए नॉर्मली जैसे हम टाइप करते हैं उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है वो सिंबल्स दिए हुए हैं। ये जनरल सिंबल है, ये सिंबल्स का आइकन है, अलग अलग सिंबल्स जो आपको चाहिए उसके लिए है। ठीक है, देखिए इतने सारे सिंबल्स हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे यहाँ पे ब्रैकेट्स और ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी इक्वेशंस यहाँ पे सारी दी हुई हैं, पहले से ही यहाँ पे डिफाइन है। ये देखिए, आप जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप किसी भी फेवरेट इक्वेशन को जिसको आपने फेवरेट करा होगा, जैसे यहाँ से अगर आप फेवरेट कर देते हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्टली शो होने लग जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक इक्वेशन बना के बता रहा हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे इसी को ही करना था तो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट लिया, यहाँ पे मैंने लिखा एरो से आप मूव करके आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर से मैं गया, मैंने यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट को ले लिया और मैंने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैंने इंसर्ट मैथ कर दिया। तो जैसे ही इंसर्ट मैथ आप करेंगे इस तरह का आएगा पॉपअप बॉक्स और जो इक्वेशन है वो इंसर्ट हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन इंसर्ट हो गई इसके ऊपर तीन डॉट हैं, इसको क्लिक करके आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, और रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए रिमूव का ऑप्शन भी है, ठीक है, आपने सेंटर अलाइन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा सी द बिलो गिवन इक्वेशन एंड कम्प्लीट इट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं ऑप्शन क्रिएट करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं करना रहता। आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, ये इंसर्ट हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको आपको व्यू करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, ठीक है, सी द बिलो गिवन इक्वेशन एंड कम्प्लीटेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका कम्प्लीट, ठीक है, इस तरह से ये दिखाई देगा। कम्प्लीट आपको मैं करके बता देता हूँ, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इक्वेशन पर क्लिक करा प्लस टू बी ए, ठीक है, इंसर्ट मैथ कर दिया, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा उसे, ठीक है, ये आ गया। ऑप्शन थ्री पर हम चलते हैं, यहाँ पे करते हैं प्लस, यहाँ से हमने ले लिया सुपर स्क्रिप्ट, उसको हमने कर दिया ए बी ए बी का स्क्वायर और इंसर्ट मैथ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये तीन इक्वेशन जो है वो इंसर्ट कर दिए ऑप्शन में और इस चौथे को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपको व्यू करके बताता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। यहाँ से मैंने प्लस करा और दूसरे क्वेश्चन पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने करा और इसके ऊपर क्लिक करा, इसको पूरा रफ कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिखा इक्वेशन में जाके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सिंबल्स हमारे पास हैं, यहाँ पे मैंने ये कर दिया और ए की जगह लिख दिया मैंने 81, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ऐसे खाली छोड़ दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 मैंने इसे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, इसे भी सेंटर लाइन कर दिया है और यहाँ पे मैंने आंसर्स में लिख दिया है, इसे एमसीक्यू करके मैंने यहाँ पे आंसर में लिख दिया है 9, 8, 7 और 6, ठीक है। मैं आपको व्यू करके बता दे रहा हूँ फॉर्म को, ये देखिए इस तरह से आप अपने गूगल फॉर्म के अंदर इक्वेशंस को भी लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गूगल फॉर्म में इक्वेशंस को इंसर्ट कर पा रहे हैं और गूगल फॉर्म को आसानी से बना पा रहे हैं और अगर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इक्वेशंस को इंसर्ट करने में अपने गूगल फॉर्म के अंदर, तो दोस्तों कि मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाइए जिससे उनका भी फायदा हो सके और वो भी इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने गूगल फॉर्म के अंदर इंसर्ट कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल पर बने रहिए, आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करी थी उनको मेरा धन्यवाद, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करा है उन लोगों को भी धन्यवाद और आप सबसे फिर एक बार मुलाकात होगी एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम।